आज इस फिक्र पर टीवी 9 भारतवर्ष बहुत बड़ा खुलासा कर रहा है। जरा सोचिए, मुंबई पुलिस का एपीआई यानी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, लेकिन रुतबा 1 अरबपति जैसा। हम बात कर रहे हैं सस्पेंड एपीआई सचिन वाजे की। आज भी सचिन वाजे के गुनाहों की पड़ताल करती एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने एक मित्सुबिशी आउटलैंडर कार जब्त की है। यह कार नवी मुंबई के कमोथे इलाके में मिली है। बताया जाता है कि मित्सुबिशी आउटलैंडर कार सचिन वाजे के नाम से ही रजिस्टर्ड है और इस कार को सचिन वाजे का सहयोगी एपीआई प्रकाश ओवर ड्राइव करता था। आपको बता दें कि मनसुख हिरेन मौत के मामले में वाजे की गिरफ्तारी के बाद से अब तक एनआईए उसकी 6 गाड़ियां जब्त कर चुकी है, जिसमें ध्यान से देखिए 2 मर्सिडीज, 1 प्राडो, 1 इनोवा, 1 स्कॉर्पियो और 1 मित्सुबिशी आउटलैंडर कार शामिल है। सभी बहुत बड़ी गाड़ी, हाई एंड कार्स। सूत्रों की माने तो अभी भी एनआईए को एक और आउटलैंडर, 1 ऑडी और 1 स्कोडा गाड़ी की तलाश है जो सचिन वाजे इस्तेमाल करता था। तो आपको भी लग रहा होगा कि एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के पास इतना पैसा कहां से आया जिससे 7-8 लग्जरी गाड़ी खरीद ली, कई जगह जमीन मकान बना लिए। तो इस सब का खुलासा कुछ दिन पहले मुंबई के ही पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने किया था। इन्होंने बताया था कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे गैंग को 1 महीने में 100 करोड़ वसूली का टारगेट दिया था। चूंकि एक मंत्री की को आगाही की तरफ से महाउगाही का टारगेट देने का मसला बेहद गंभीर है, यहां तक कि मुंबई के बार और पब से वसूली का रेट लिस्ट तक बाहर आ चुका है। इसीलिए टीवी 9 भारतवर्ष ने मुंबई में खाकी और खादी के खेल का सच सामने लाने के लिए स्टिंग ऑपरेशन किया। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर ने जो खुलासे किए वो बेहद चौंकाने वाले। अंधेरा घिर गया था, मुंबई शहर रंगीन रोशनी में नहा चुका था और टीवी 9 भारतवर्ष के अंडर कवर रिपोर्टर खुफिया कैमरे के साथ ऑपरेशन 100 करोड़ के मिशन पर निकल चुके थे। होमवर्क के दौरान हमें बताया गया कि मुंबई के पॉश इलाके अंधेरी ईस्ट में कई ऐसे हाई फाई डांस बार हैं जहां से मुंबई पुलिस मोटी वसूली करती है। लेकिन क्या वसूली का ये आरोप सच है? ये हकीकत खुफिया कैमरे में कैद करने के लिए हमारी टीम मरोल नाका की तरफ रवाना हो गई। थोड़ी ही देर में हम रूबी बार के सामने थे, लेकिन अंदर जाकर पुलिस की वसूली के बारे में जानना इतना भी आसान नहीं था। लिहाजा हमारे अंडरकवर रिपोर्टर एक लोकल एजेंट के साथ बार के खरीदार बनकर यहां पहुंचे थे। सबसे पहले हमें ग्राउंड फ्लोर पर लाया गया जहां बार चलता है और इसी फ्लोर के ऊपर डांस बार भी था। यहां हमारे सोर्स ने बार मैनेजर से हमारी मुलाकात करवाई ये कहकर कि हम दोनों फ्लोर खरीदना चाहते हैं, लेकिन डील से पहले हमने दोनों बार दिखाने की शर्त रखी तो बार मैनेजर बिना नानुकुर किए तैयार हो गया। इधर इतना स्पेस और है, वो ड्रेसिंग रूम में लोगों को बाहर निकलने के लिए ऊपर के लिए पीछे रहना। हाँ आइए, लॉक किया क्या? हाँ लॉक किया। चाबी लेके जाइए। 2 मिनट इधर से भी स्पेस है ना, सीट का। पुलिस वाले गली वाले पीछे से भी आ सकते, वो ये लोग ध्यान नहीं देते। अगर कोई बाहर से आके इधर अंदर आ जाएंगे तो हाँ वो तो सारी सेफ्टी रखनी होगी ना। ये मतलब पीछे से जाने का रास्ता है, हम लोग रात को है ना 1:30 बजे का यहाँ से लेते। अच्छा 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 अच्छा, अगर आप नहीं समझे तो आपको बता दें, बार मैनेजर ने हमें वो चोर रास्ता दिखाया जहां से कस्टमर पुलिस की नजरों से बचकर आ सकता है या फिर पुलिस रेड के दौरान इस रास्ते से भागा जा सकता है।
रूबी बार के मैनेजर से बातचीत में कई दंग करने वाले खुलासे हुए। पता चला कि डांस बार चलाने पर कोरोना की वजह से पाबंदी, लेकिन बार मैनेजर का दावा है कि मुंबई पुलिस रिश्वत, जिसे इस धंधे में सेक्शन के नाम से जाना जाता है, वो लेकर बार चलवा रही है। मजमा जुट रहा है, जबकि मुंबई में कोरोना काल बन गया है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन बार मैनेजर ने आगे जो खुलासा किया, जिस पुलिस अफसर का नाम लिया, वो भूचाल लाने वाला है। आपसे प्रश्न पूछनी थी, ये सेक्शन का कितना खर्चा है? सेक्शन का इधर अभी का इसमें और सीपी की टिकट पकड़ के सीपी का भी देने का टोटल बताओ तो बंद हो गया सारा कॉस्ट। वो सब पकड़ के हम लोग को 8-9 लाख का हिस्सा आ रहा था, मतलब अभी वो सीपी का 2 लाख छोड़ो हो जाएगा तो 7-7 बोले तो इसमें सब आ गए पैसा, जो इनकम लोन लगता खबरी लोग का और दूसरा एक्साइज का और एसएस बैंक के भी बंदे बोलते हैं एसएस बैंक बंद बंद हो रहा है, फिर अभी और कम हो जाएगा। अगर 7 खेल सकते उसमें नाइट चार्ज भी आएगा। अभी हम लोग जो नाइट चालू रखते हैं ना, बीआई को 5,000, बीट ऑफिसर को जो डिटेक्शन स्टाफ को उसके सुबह 8-9,000 डेली जाते हैं, जिस दिन रखेगा उस दिन, अगर नहीं रखे तो नहीं जाएगा, 1:30 बजे बंद करेंगे तो वो सब मिला के हम लोग को 7 का एवरेज हो जाएगा। 7 में अभी अभी एसएस बैंक ये सब बंद रहेगा तो 5 हो जाएगा, फिर भी आप 6 लाख होटल में भी कोई। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का नाम सुनकर हमें पहली बार में भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन बार मैनेजर का दावा है कि हर महीने 2 लाख रुपए पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के लिए जाते थे, मगर 100 करोड़ के लेटर कांड के बाद 2 लाख रुपए की वसूली बंद हो गई, लिहाजा डांस बार चलाने का हर महीने का खर्चा 2 लाख रुपए कम हो गया है, लेकिन फिर भी 6 लाख रुपए बतौर रिश्वत पुलिस को देने ही पड़ते हैं। हालांकि TV9 भारतवर्ष बार मैनेजर के दावों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर ऐसा वसूली गैंग चल रहा है तो ऐसे पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। वैसे आपको बता दें कि 100 करोड़ वसूली वाला खुलासा खुद मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने ही किया था। इसी खुलासे के बाद TV9 भारतवर्ष ने ऑपरेशन 100 करोड़ का प्लान बनाया, और बार मैनेजर जिस तरह के दावे कर रहा है, अगर वो सही है तो ये इशारा है कि 100 करोड़ की वसूली के आरोपों में कहीं ना कहीं दम है। हालांकि 100 करोड़ वसूली कांड की जांच शुरू हो चुकी है और सच बहुत जल्द सामने आएगा, लेकिन TV9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे में मुंबई पुलिस पर जो संगीन इल्जाम लगे हैं वो बेहद सनसनीखेज है, और इसका अगला सिरा आपको और भी तंग करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ऑपरेशन 100 करोड़। मुंबई से TV9 भारतवर्ष के लिए उमेश पाटिल के साथ फारूक निवाजी की रिपोर्ट। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।